घर कब जाओगे? घर जाएंगे 2024 के चुनाव के बाद में, इसे हरा के किसान की सरकार बना के, और ये बिल ऐसा पाड़ेंगे जब सरकार अपनी हो जाएगी ना, इस बिलों को जब पाड़ेंगे वहां तक के इरादे हैं किसान के, या गोली चला ले, गोली चला लेना। हम बाढ़ देख रहे हैं, 1000-2000 किसानों को मरवा के, क्रांति मचनी है इस देश में, क्रांति बहुत हो गया, बहुत दिन हो गए क्रांति मचे हुए, ऐसी जिदियारी सरकार नहीं देखी, क्रांति आए हुए बहुत दिन हो गए, हम क्रांति चाह रहे हैं किसान, ठीक है, गोली चलवा दे, 1000-2000 किसान मरेगा, और देश में पब्लिक सारी आर्मी और ये फोर्स सब हमारे बच्चे हैं, ये गोली इस पर बजानी शुरू कर देंगे, उल्टी सरकार को ढूंढेंगे कहाँ आया, इतने दुखी किसान है इस देश का, और ड्रामा रच रहे हैं, गुंडा बता रहे हैं, किसी को पाकिस्तानी और बहनों भाषा आतंकवादी क्या क्या बता रहे हैं इस देवता को, जिसकी मतलब वो खा रहे हो कमाई खा रहे हैं, ये जो 543 में है MP, इनमें कितने गुंडे, हिसाब दिया कभी पत्रकार, आपसे पूछता हूँ मैं सारा, इनसे हिसाब मांग लो, जाओ कितने गुंडे और कितने वो इकट्ठे हो रहे हैं इसमें, ही एक नहीं बोल रहा किसान के नाम पे, किसानों के चुन के गए हुए हैं सारे के सारे 95% किसान परिवारों के हैं जो बैठे हैं चुप, और इनमें ये देख लो कि कितने सही आदमी और कितने गुंडे हैं, कितनी लुटाई करके गए हुए हैं, ये पता नहीं है, देश जो अंधेर में है, इस देश में क्रांति होगी और कोई रास्ता नहीं है, ये नहीं मानेगा, ये तो रावण से भी ऊपर हो गया, ये तो रावण ने जैसे जिद करी थी ना, देखा क्या नाश हुआ, ऐसे ही ये इस देश का चाह रहा है, और किसान इसके लिए तैयार है, बलि देंगे, बलि के लिए तैयार हैं, जिसकी आ रही होगी ना उसकी आ जाएगी, हटेगा नहीं। अच्छा, लगातार आपके संगठनों से और सरकार की बातचीत हो रही है, लेकिन तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, ये तो अदालत बना दी इसने, अदालत का मतलब है, एक वकील एक दिन कह रहा था, वो भीड़ मेला लग रहा था, वो ताऊ जी पूछ रहा भैया मेरी तारीख कब तक खत्म होगी, क्योंकि अदालत का मतलब पता ताऊ तुझे जो क्या है, ऐसे हो गया आओ, और जैसे हो गया दो, और लैसे हो गया लो, और तैसे हो गया तारीख, अदालत का मतलब ये है, इसका समझ रहे हैं मुझे दिन से, अदालत सब इसकी मुट्ठी में है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो रहा है 14 दिन में पेमेंट करो किसान का, गन्ने का 15,000 करोड़ रुपए बकाया है पूरे प्रदेश में, दे दिया इसने, ये सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, ये किसी को मान रहे हैं, अंधेर चल रहा है इस देश में, जो अंधेर, ये तो ये कह रहे थे कि 14 दिन के अंदर, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि 14 दिन के अंदर पेमेंट होगा, नहीं तो ब्याज सहित पैसा दिया जाएगा, देख लो आप रिकॉर्ड उठा लो, अगर पिछले साल का भी मिला हो, ये तो ये जो गन्ना अब डाला जा रहा है इसमें तो पर्ची ऊपर रेट ही नहीं, रेट ही घोषित नहीं है, किसान का 0-0 लिख रहे हैं पर्ची पे, गन्ना लेने हैं और इस पर 0-0 लिख रहे हैं, कोई रेट नहीं, और पिछले साल का पूरा रुका हुआ है, ये देखो ये किसान कैसे बर्दाश्त करेगा, इसके साथ में कैसा अन्याय और घोर वो की जा रही है, इस सरकार की हम घोर निंदा करता है किसान, पहले ये माफ़ी मांगेगा और जब मांग मानी जाएंगी, ये जो गुंडा और आतंकवादी यार ये बता रहे हैं, इस किसान को देवता को गुंडा बताएगा, कुछ भी कहेगा, इन्हीं का बनाया हुआ, ये पहले माफी मांगेगा और ये देखना ये इसके साथ क्या होगा, मतलब अनर्स कर दिया एक तरह से, अरे गोली चला ले इससे ज्यादा तेरे पे क्या है, फोर्स लगा और गोली बजवा दे इन किसानों पर, ये दुखी होकर कह रहा हूँ मैं, उसी दिन से किसान मांग कर रहा है जिस दिन से भाजपा आई थी, कि हमारी MSP पर कानून बना दो, हमारा MSP पर कानून बना दो, वो तो बनाया नहीं, और मतलब कोरोना के समय में जब किसान सेवा कर रहा था खेतों में, दिन में काम करता था, और रात को जो है भंडारे लगा रहा जगह जगह, वो छोड़ दिए दिल्ली से 50 लाख वे मजदूर और वे जा रहे हैं भूखे मरते हुए पैदल, उनका जगह जगह उन्हें ट्रैक्टरों से भर भर के किसान पहुँचा रहा था, उनके खाना खिला रहा था, वो भूल गया सब, उस टाइम पर कानून किसान के खिलाफ बना के खड़ा कर दिया, अंधेर है इस देश में, मतलब ये समझ रहा कोई नहीं देख रहा, अभी तो ये आम जनता सड़क पर आएगी, आम जनता, इसमें किसान ही नहीं मरेगा, इसमें आम जनता मर रही है, उनके दिमाग में आ गया है सबके में कि ये तो 100-100 रुपये किलो बेचेंगे उद्योगपति, तो मेरा सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या ये जो आज आंदोलन चलाया जा रहा है, क्या किसान अपने लिए लड़ाई लड़ रहा है या फिर आने वाले समय के लिए लड़ाई लड़ रहा है? हम तो अपनी औलाद के लिए लड़ रहे हैं, आम जनता के लिए लड़ रहे हैं, अपनी औलाद के लिए लड़ रहे हैं, ये कल आने वाली पीढ़ी नहीं कहेगी सारे बुजदिली से हमारे बाप दादा तो बिल्कुल ये क्या करके हमारा गला काट गए,
तो इसलिए हम मरने को तैयार है। हम घर हमें कोई नहीं घुसने देगा। जो बड़े बड़े औलाद हो रही है ना बड़ी बड़ी, वो ऐसे लिए बैठे हैं कि आ जा घर नहीं आन देंगे अगर ये कानून बनवा के चले आए तुम तो। हम तो दोनों में ही मरना है, किसान को तो दोनों तरफ मरना है। तो इससे तो यहीं मार ले, गोली चलवा दे, इंतजार मत देखे। अब किसान भी क्रांति चाह रहे आज देश में। अब आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं ताऊ, तो आर पार की तो निश्चित ही है। जब देखो कितने बार ये मध्य प्रदेश जा रहे हैं, कच्छ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, किसान के दरवाजे पड़ा है, ये बात करने के लिए तैयार नहीं है, ड्रामा कर रहे हैं, सब तरह का ड्रामा हो रहा है। अब किसान झुकने वाला नहीं है। ये कहते थे न देश को झुकने दूंगा, न देश को रुकने दूंगा, देश से वहाँ ले जाऊँगा, यहाँ ले जाऊँगा, नाक पीट दिया, देश को बेच दिया और किसान को भी बेच रहे थे। वो तो किसान को पता पड़ गया, अडानी और अम्बानी अब पता पड़ा हमें तो कहीं तो वास्तव में चौकीदार है। अडानी और अम्बानी मालिक है इस देश के, और जो चौकीदार है जो बार बार कह रहा था मैं तो चौकीदार हूँ, मैं तो चौकीदार हूँ, अब पता पड़ा किसानों को कि वास्तव में चौकीदार है, ये वास्तव में चौकीदार था। किसान समझ गया कि देश का मालिक है हमें 80%, हम देश को नहीं बिकने देंगे, न किसान को बिकने देंगे, देश हमारा है। तुम तो कहते ही थे कि बिकने दूंगा ना झुकने दूंगा, लेकिन आज किसान कह रहा है न देश को बिकने देंगे न झुकने देंगे। किसान सामने दिल्ली आ गया और अपने अधिकार लेकर ही वापस लौटेगा। जब तीनों काले कानून वापस कराएंगे और MSP पे कानून बनवाएंगे, कानून में दायरा जो होगा कि नहीं बेचना, जेल जाएगा, तब किसान यहाँ से लौटेगा, पहले नहीं लौटेगा।